मेरा नाम संदीप राज है, मैं अजमेर शहर में रहता हूँ और मैं प्रिया संस्था के अंदर पिछले एक साल से काम कर रहा हूँ। अजमेर शहर में मैंने देखा कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें डेवलपमेंट की बहुत कमी है, तो जब मैंने प्रिया में ज्वाइनिंग लिया और मैं अपने अपने फील्ड में गया और बस्तियों में देखा तो वहाँ पर बहुत सी कमियाँ थी। मैं प्रिया से जुड़ा तो शुरुआत में मुझे इतना पता नहीं था, इतना तो मुझ में भी इतना वो नहीं था कि विकास के कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं। एक तरीके की मुझ में भी बहुत सी जागरूकता कम थी, तो मैंने काफ़ी कुछ जाना प्रिया संस्था से जुड़कर, और जब मैं जुड़ा तो मुझे खुद में भी ऐसा काफ़ी सब पावर फील हुआ कि मैं भी अपनी बात किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी अधिकार से कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। लोगों के साथ में प्रिया को इंट्रोड्यूस किया और प्रिया का जो काम था वो बताया और लोगों के साथ मिलकर उनके काम वगैरह कराए, तो प्रिया के साथ जुड़ के अच्छा लगा मुझे बहुत ही। काफ़ी चेंजेस आए हैं लोगों के अंदर, लोग अपनी बात रखने की हिम्मत रखने लगे हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वो जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बहुत कह तो पाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं, समस्याएं ये हैं वार्ड बस्ती के अंदर, वार्ड के अंदर। पहले तो एक पार्षद से जाने से भी, बात करने से भी उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो अभी ऐसा नहीं है। मैं नई पीढ़ी के लिए यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो योजनाएं, जो काम, जो प्लान है वो जो शहर के लिए और अपने देश के लिए निकाल रही है, जो उन सबको वो जाने कि वो क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, नई पीढ़ी उस पर ध्यान दे ताकि वो उसको जान करके अपने शहर में काम करवा सके, और लोगों को भी बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये काम किए जा रहे हैं हमारे शहर में।